टोक्यो ओलंपिक से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ओलंपिक के 16वें दिन भारत को मिला है गोल्ड मेडल। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने जीता है गोल्ड मेडल, एक तरफा मुकाबले में जीता है स्वर्ण पदक। धमाकेदार शुरुआत संग स्वर्णिम अंत इस वक्त देखने को मिल रहा है। वही हर भारतीय को इस वक्त नीरज चोपड़ा पर गर्व महसूस हो रहा है। वही टोक्यो ओलंपिक में इस वक्त जय हो गुंजायमान हो रहा है। तो टोक्यो ओलंपिक से इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वही इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय सिन्हा जुड़ चुके हैं। तो अजय सिन्हा जी, इस वक्त टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए अच्छी खबर देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, नीरज चोपड़ा ने एक तरफा मुकाबला जीत लिया है। कोई भी खिलाड़ी उनके आसपास नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने जो दूसरा थ्रो किया वो 87.58 मीटर का किया है और कोई भी किसी भी देश का जो जैवलिन थ्रोअर था वो उनके करीब भी नहीं आ पाया। आपको बता दें कि क्वालिफाइंग राउंड जब हुआ था तब भी वो नंबर वन पे रहे और जब उन्होंने फाइनल में जब वो उतरे और उन्होंने पहला थ्रो किया है तो पहले थ्रो उनका जो पहला थ्रो रहा उसके करीब भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच पाया है। जी, तो जिस प्रकार से नीरज चोपड़ा हम भारत के लिए एक अंतिम उम्मीद थी जो स्वर्ण ला सकते थे, ऐसे में उन्होंने सभी भारतीयों की उम्मीदों पे खरा उतरते हुए स्वर्ण भारत के लिए हासिल किया है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए भारत की झोली में आज बहुत बड़ी खुशी आई है। दो मेडल आए हैं, बजरंग पुरिया ने कांस्य पदक जीता है, वहीं नीरज चोपड़ा ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ भारत को सात पदक मिल गए हैं। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि भारत ने सात पदक हासिल कर लिए, जिसमें स्वर्ण पदक भी नीरज चोपड़ा की वजह से शामिल हो गया। तो बहुत बड़ी देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, देश की जनता के लिए बहुत बड़ी खुशियों की बात है कि आज जो है नीरज चोपड़ा ने एक तरफा मुकाबले। सबसे बड़ी बात क्या है कि स्वर्ण पदक जीतना बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि एक तरफा मुकाबले में स्वर्ण पदक। आज मैं कुछ लेजेंड्स हैं उनका नाम लूंगा, चाहे वो माइकल फ्लेप हो तैराकी के अमेरिका के, चाहे वो उसैन बोल्ट हो, जब ये लोग स्वर्ण पदक जीतते थे तो अपने गेम में एक तरफा मुकाबला इनका रहता था, एक तरफा मुकाबले में स्वर्ण पदक जीतते थे। नीरज चोपड़ा का आज वैसा ही रहा है कि जैवलिन थ्रो में उन्होंने एक तरफा मुकाबले में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। जी, तो जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि नीरज चोपड़ा बेहद ही कम उम्र के खिलाड़ी हैं और ऐसे में इतना बड़ा गर्व का मौका इस वक्त भारत को उन्होंने दिया है, जहां पर भारत के लिए उन्होंने 16वें दिन गोल्ड मेडल हासिल किया है। वहीं दूसरी तरफ बजरंग पुनिया ने भी आज देश का मान बढ़ाते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया है। ऐसे में आज के लिए भारत का दिन बहुत ही सुखद देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि जब नीरज चोपड़ा ने जो थ्रो किया उसके बाद से आप गोल्ड मेडल की तो आशाएं जो अन्य प्लेयर थे उनकी खत्म हो गई थी, वहीं जो दूसरे देशों के प्लेयर जैवलिन थ्रोअर थे वो सिल्वर मेडल के लिए जंग कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो पाकिस्तान का प्लेयर था और जो अन्य देशों के प्लेयर थे वो लगातार सिल्वर मेडल के लिए कोशिश कर रहे थे, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने इतना दूर थ्रो कर दिया था कि उम्मीदें उनकी आंखों से ओझल हो गई थी स्वर्ण के लिए, और शुरू से ही एक तरफा मुकाबला चल रहा था नीरज चोपड़ा को लेकर। जी, तो जिस तरह से आज टोक्यो ओलंपिक में बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं, जहां पर टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ओलंपिक में 16वें दिन भारत के नाम इस वक्त गोल्ड मेडल आ चुका है। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। आपको बता दें कि एक तरफा मुकाबले में उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। जिस तरीके से अभी अजय सिन्हा जी हमें बता रहे थे कि धमाकेदार शुरुआत की गई थी, जहां पर उनका स्वर्णिम सफर देखने को मिला, एक तरफा पूरी तरह से यह मुकाबला था, जहां टोक्यो ओलंपिक में इस वक्त जय हो का नारा गुंजायमान हो रहा है। तो टोक्यो ओलंपिक से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर ओलंपिक के 16वें दिन भारत को गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। आपको बता दें कि जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इस वक्त भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। यह पूरा मुकाबला एक तरफा था, जिसमें धमाकेदार शुरुआत के साथ इस पूरे मैच का स्वर्णिम अंत हुआ है, जिसके बाद हर भारतीय का गर्व से सीना चौड़ा हो चुका है। नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए इस वक्त गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो टोक्यो ओलंपिक से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज का दिन भारतवासियों के लिए बेहद ही सुखद देखने को मिला है। आज के दिन भारत के नाम दो मेडल हासिल हुए हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक हासिल किया है, वहीं दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल आज दर्ज किया है।
तो इस वक्त हर भारतीय के लिए ये खुशखबरी देखने को मिल रही है, जहां टोक्यो ओलंपिक में भारत का गर्व से सीना चौड़ा हुआ है।